बर्थडे गिफ्ट। अच्छा जैसे स्पेशल गिफ्ट फॉर एल्विस यादव और योर बर्थडे, और किसी के लिए नहीं है। मैं रिटर्न गिफ्ट किसी को नहीं दे रहा हूँ। और इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें टॉक्सिक जो भी फैला रहे ना, ये सब चीज़ें मेरे प्रोफाइल पे आके बर्थडे वाले दिन तो मैं देखा, तो ये एल्विस के साथ साथ एक एक छुट्टी उन लोग को भी पहनाना चाहिए। ये एल्विस यादव के लिए, और जो आके हेट फैला रहे, जो गालियां दे रहे, जिन लोगों को काम नहीं है, बेरोजगार लोग है, जो काम धंधा नहीं है, ये उन लोगों के लिए। बोलना नहीं है, चूड़ी लाया हूँ। कैसा कैसा, फिर मारने का आएगा तू, फिर मारने का आएगा। तो ये सब सुनने के बाद अगर तुम भी इसकी प्रोफाइल पे जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पहले से ही मोर्चा संभाला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदनान 07 के बारे में। और जिन लोग को नहीं पता, मैं उन लोग को बता दूं, ये पहले के टाइम पे मुजरा करा करते थे और यूट्यूब पे पहली बार तब दिखे थे जब थगेश ने इनका रोस्ट निकाला था। और अभी अदनान भाई ने अपने डैडी को बोला है, मैं ऑमलेट खाऊंगा। मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना, तो वो कैमरे के सामने बैठ के ही बकबक कर सकता है, पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी। तो अदनान भाई ने इस बार चैलेंज करा है एल्विस भाई को लड़ने के लिए, और ये बोलने के बाद जब वो घर से बाहर निकले तो टीम 07 की परेशानियां खत्म होती नजर ही नहीं आ रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अदनान भाई, क्या फायदा तुम्हारे जिम में पसीना बहाने का, लड़ाई के टाइम पे तुम्हारा खुद पसीना छूट जाए। और तुमसे ये 10 किलो का डंबल ना उठ रहा हो और तुम एल्विस को उठाने की बात कर रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? बर्थडे बॉय, कैसी विशेज आई आपके फ्रेंड्स लोग से, फैंस लोग की तरफ से, आपको कैसा फील कर रहा हूँ? मीडिया वाले भी फुल मजे ले रहे हैं। एल्विस से पंगा लेने के बाद विश नहीं इश्क चालू होता है। एल्विस के फैंस ने सलमान खान को नहीं छोड़ा तो ये कौन सी खेत की मूली है? तो जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या ना हो, हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो, पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। पर इन लोग मिले नहीं है शायद, इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी, एक इमेज सेट हो गई है और इन लोग हेट दे रहे हैं। पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है, जो इन लोग का माइंड सेट है, वो चेंज हो जाएगा। तुम्हें बात समझ में ना आई होगी लेकिन हम समझाते हैं तुम्हें हिंदी में। ये बोल रहा है रोस्ट वीडियो में तुमने जो कुछ सुना होगा सब गलत है, खाली ये सही है। और ये कितना सही है तुम लोग कमेंट में बताओ। जैसे नहीं हो रहा है कि, और आपने जो स्टेप अप किया है और बोलने चाह रहे हो, उसमें क्या कहना चाहोगे? किसके फॉलोअर्स कम हो गए? सलमान सर के। वो सब फेक न्यूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पहली बात, अगर ऐसा हो भी जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि भाई का ना एक बाल भी बाका होएगा। फॉलोअर्स से उनको क्या मतलब, वो एक ब्रांड है, उनकी खुद एक वैल्यू है। तो ये फॉलोअर्स से, ये सब फेक न्यूज वायरल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलमान खान एक ब्रांड है लेकिन एक ट्विस्ट है कि ब्रांड में बी साइलेंट है। नहीं, वीडियो देखा मैंने, 3-4 वीडियो देखा मैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ महीने पहले मनाली भी गया था, तो मुझे पता नहीं है सिस्टम क्या होता है वहाँ पे। कुछ फैंस आए, पर अगर मुझे पता होता कि वो एल्विस का ऐसा कुछ है स्लैंग वो यूज़ करता है, तो मैं वो चीज़ बोलता ही नहीं। पर सब फैन लोग के तरह आके मेरे से मिले, मेरे को बोले सिस्टम बोलो, मैंने बोल दिया। अब वो चीज़ के भी ऊपर उसने बहुत अजीब तरीके से उसने रिएक्ट किया। पहले किसी का कंटेंट कॉपी करो और बाद में फिर ओवर एक्टिंग। ये सिस्टम क्या होता है हमें तो पता ही ना है, ये क्या 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 चीज है ये? इसे सिस्टम नहीं पता क्या होता है। और अब तुम लोग कमेंट में बताओ सिस्टम क्या होता है। और बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।